अपने मासूम से चेहरे और कातिल अदाओं के साथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने केवल साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दर्शकों को भी अपना दीवाना बनाया है। अपनी अदाओं के साथ इस अभिनेत्री ने अपने बेहतरीन अदाकारी के साथ दर्शकों के दिलों पर इस कदर अपनी जगह बना ली है कि इनके अलावा वो किसी और एक्ट्रेस को अपने दिल में जगह ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज एक बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ फिल्म जगत पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस भी कभी डिप्रेशन में रही थी। आप शायद इस बात पर यकीन ना कर पाए, पर ये बात सच है कि काजल अग्रवाल ने भी डिप्रेशन के दर्द को सहा है, मगर बहुत कम लोग ही इनके डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी डिप्रेशन वाले दौर के बारे में बताने वाले हैं कि ये कब और कैसे डिप्रेशन में गए और किस तरह से उस डिप्रेशन से बाहर निकले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके उस दर्दनाक डिप्रेशन के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए अब हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस है काजल अग्रवाल, जिनके पास आज नेम और फेम दोनों है, पर कभी इसी नेम और फेम को कमाने के चक्कर में ये डिप्रेशन में चली गई थी। बात है साल 2011 की, जब इन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम में काम कर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। फिल्म तो हिट रही थी, साथ ही फिल्म में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्होंने खूब पॉपुलैरिटी भी हासिल की थी। इसी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने बॉलीवुड की एक मशहूर मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवाया था, जो काफी अच्छा रहा था। पर जब मैगजीन आई तो उसमें इनकी बोल्ड तस्वीर कवर पेज पर छपी थी, जिसके बाद उन्होंने उस मैगजीन पर आरोप लगाया कि उन्होंने इनकी तस्वीर बदली है। तो ये बात गलत साबित हुई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, मैगजीन वालों ने इनके साथ गेम खेला है जिसमें ये फंस गई, उसके चलते इनकी इमेज बॉलीवुड में डाउन हो गए और इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था। इसी घटना के बाद ये काफी परेशान और सैड रहने लगी थी, धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। ये अपने साथ हुए इस हादसे को भुला नहीं पा रही थी, जिसके चलते इनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे। इसी बात को ये दिन पर दिन सोचती रही और यही कारण बना इनके डिप्रेशन में जाने का। इसी वजह से ये डिप्रेशन में चली गई, साथ ही दिन शराब का सेवन करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे इनकी हेल्थ और फिगर दोनों पर असर हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि साउथ इंडस्ट्री में भी इन्हें काम मिलना बंद हो गया था, जिसके चलते इनका डिप्रेशन और भी गहरा होता चला गया। और करीब 6 महीनों तक ये इस डिप्रेशन में जूझती रही और उस दौरान इन्होंने खुद को अपने घर में कैद कर लिया, साथ ही अपने परिवार वालों और दोस्तों से एक बड़ी दूरी बना ली थी। पर इनके अच्छे और करीबी दोस्त महेश बाबू से इनकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने इनकी मदद करने का जिम्मा उठा लिया। तो काजल काम ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में गए थी, उन्होंने इसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अपने साथ फिल्म द बिजनेसमैन में काम करने का ऑफर दिया, पर उनकी एक शर्त थी कि वो इस फिल्म में एक ही शर्त पर काम कर पाएंगे कि ये खुद पहले जैसी काजल बने और वो हमेशा खुश रहती है। उनकी इसी बात को मानते हुए काजल ने खुद को संभाला और डिप्रेशन से खुद को बाहर निकाला, जिसमे महेश बाबू ने इनका बहुत बड़ा साथ दिया। इन्हें फिट और हैप्पी बनाने के लिए इन्हें योगा करवाया और फिल्म की शूटिंग के लिए इन्हें बाहर लेकर गए, जिससे कि धीरे धीरे ये अपने डिप्रेशन से बाहर आने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि इनका डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये एकदम पहले की तरह ठीक हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने केवल अपने करियर पर फोकस किया और एक के बाद एक हिट फिल्म में देकर साउथ की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस बनकर उभरी। तो दोस्तों, आपको काजल अग्रवाल के डिप्रेशन के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए। और साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी अनसुनी खबरों को जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।